आज मैं फिर दोस्त के रिक्वेस्ट के अनुसार बंगाली स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ, हम लोग बोलते हैं इसको दूध पूली, दूध से, दूध में ही बनाते हैं। इसके लिए चाहिए चावल का आटा। मैं इधर 1.5 कप चावल का आटा लिए, इसको गर्म पानी में घोतना है, इसलिए पानी गर्म बैठा दिए। दूध चाहिए, इधर करीब 1/2 लीटर दूध है। और हम पहले ये एक बार दिखा चुकी हूँ कि कैसे नारियल का पूर बनाना चाहिए, इसमें भी पूर दे के बनाना पड़ेगा। तो नारियल है और पाटली गुड़ जो है उसको हम क्रश कर लिए। हर जगह खेजूर गुड़ का गुड़ नहीं मिलता है, इसीलिए ये जो पाटली गुड़ है इसको हम क्रश कर लिए, ये बाद में दूध में डाला जाएगा। पानी गर्म हो चुका है, अब चावल के आटा में पानी डालना है, इसको आटे की तरह घोतना है। चावल का आटा अच्छी तरह से सान लिए, हम लोगों का तैयार हो गया। अब इसका पुली बनाएंगे। छोटा छोटा डोले बनाना है, उसके बाद बहुत पतला सा कटोरा बनाना है पूर भरने के लिए। पतला बनाना है ताकि जल्दी उबल भी जाएगा और अंदर में दूध, जो दूध में उबलना पड़ेगा, दूध और मीठा पूरा अंदर तक पहुंचेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे पूर दे दिए, अब इसको दोनों मुंह मिला देना है अच्छी तरह से। पैक कर देना है ताकि अंदर से पूर निकल ना जाए। आमतौर पर हम लोग इसी तरह से ही पुली बनाते हैं। इसको और कई तरह का बना सकते हैं आप लोग, हम उसका दो और तरीका दिखा देते हैं। डो छोटा होना ही चाहिए। ऐसे करके पूरा मिला देना है और थोड़ा सा मोदक टाइप का।
फिर उसी तरह से ही मुंह को मोड़ देना है। अब करना क्या है, इधर से भी इसी तरह से इधर भी कर लेना है। या तो अपने मन से और भी कुछ बना सकते हैं। इधर पूरा पुली बन चुका है और दूध भी उबलने के लिए दिए थे, क्योंकि उबलते हुए दूध में ही पुली सब डालना है, नहीं तो नीचे में चिपक जाएगा, टूट भी सकता है। पहले जब दूध उबलेगा उसी टाइम ही धीरे 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 एक एक करके छोड़ना है, ऊपर से नहीं नजदीक से। चिपक ना जाए इसीलिए हल्का हाथों से हिला भी देना जरूरी है। पूरा डाल चुकी हूँ, कम से कम 20 से 25 मिनट तक ये उबलेगा, अच्छा से नरम भी हो जाएगा, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए ध्यान रहे हल्का हाथों से थोड़ा सा हिलाना है ताकि नीचे चिपक ना जाए, टूट ना जाए। पूरा उबलने में 20 मिनट पूरा लगेगा। बीस मिनट हो गया है, पुली उबल गया पूरा। अब इसमें मीठा डालना है, लेकिन उबलते हुए दूध में डाल के फिर मीठा मिला के उबालना नहीं है, मीठा डाल के तुरंत बंद कर देना है, नहीं तो दूध फट भी सकता है। गर्मी में पूरा दूध गर्म है तो घुल जाएगा पूरा मीठा, अंदर भी घुस जाएगा। गैस ऑफ कर दिए। थोड़ा सा हिला के इसको घोल देना है, बस हो गया हम लोगों का दूध पुली, ऐसे रंग छोड़ेगा। गुड़ पिघल गया,